हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू द एक्मे एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस। आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल को ही बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल इसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसको सिविल इंजीनियरिंग में बोलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर अ गेट पॉइंट ऑफ व्यू एंड एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज गेट में जो होता है इसका 8 से 10% का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगर आपने पूरे गेट के प्रीवियस ईयर के पेपर अगर चेक करेंगे तो आपने मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो मिलने वाला है आपको 8 से 10% का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है। वो एकेडमी में काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, कोर सब्जेक्ट है फॉर मैकेनिकल इंजीनियर एज वेल एज सिविल इंजीनियर, ठीक है। सो ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता क्या है? सो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डील्स विद द बिहेवियर ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन। एंड द स्टडी ऑफ अ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल रेफर्स टू द वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन इन अ स्ट्रक्चरल मेंबर सच एज बीम, कॉलम एंड शाफ्ट। सो इट इज अ कोर सब्जेक्ट फॉर मैकेनिकल इंजीनियर एज वेल एज सिविल इंजीनियर। एज वी डिजाइन एनी मशीन और वेरियस एंड इट्स वेरियस पार्ट वी शुड नो, बिकॉज द मशीन एंड इट्स पार्ट आर मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ मटेरियल। So, and the machine and its various parts subjected to various types of load. So, क्या होता है, ये जो है जो मशीन है और इसके जो पार्ट है जो है सब्जेक्टेड टू वेरियस टाइप्स ऑफ लोड, ठीक है। सो एंड द मशीन एंड इट्स वेरियस पार्ट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटीरियल। सो इंजीनियर मस्ट नो बिफोर डिजाइनिंग द मशीन एंड इट्स पार्ट सो एबिलिटी ऑफ द मटेरियल। सो दैट एबिलिटी इज नथिंग बट द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसी जो हम एबिलिटी जो भी मटेरियल हम सिलेक्ट करने वाले डिजाइन करने वाले बिफोर डिजाइनिंग द मशीन और इट्स वेरियस पार्ट, बिकॉज द वेरियस पार्ट ऑफ मशीन इज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड। सो बिफोर वी डिजाइनिंग द मशीन एंड इट्स पार्ट सो इंजीनियर मस्ट नो द properties of the material before designing the any part of engineer should understand the properties of the material because properties of the material and ability of the material, that ability is nothing but the strength of material. So strength of material is a very important subject for a industry as well, and it is very important in the quality control department where the various tests are being conducted to understand or to know the strength of the material. So it is very important subject for a mechanical engineer and civil engineer for industrial point of view and industrial point of view. So academic point of view is काफी important subject है ये, and gate point of view से या competitive exam like engineering services में भी इसका काफी important है, ठीक है। सो हम ये आज डिस्कस करने वाले, आज पूरा जो ये सीरीज कैसे चलने वाले हैं, कौन कौन से मॉड्यूल्स लेने वाले हैं, कौन कौन से यूनिट हम जो इसमें डिस्कस करने वाले हैं, पूरा हम ये यूनिट कैसे, ये जो सीरीज कैसे चलने वाली है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो अभी हमने पूरा डिस्कस किया, ब्रीफ में डिस्कस कर दिया कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है क्या। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल होता है इट इज डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो ये जो सीरीज कैसे चलने वाली है वो पूरा डिस्कस कर लेते हैं, हम जो कौन कौन सी यूनिट लेने वाले हम पूरा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो सिलेबस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो भी है यूनिट हम डिस्कस करने वाले हैं, तो पहला यूनिट है कंसेप्ट ऑफ सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। पहला यूनिट होता है कंसेप्ट ऑफ जो है इसमें सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, मतलब इसमें हम क्या डिस्कस करने हैं, इसमें डिस्कस करने वाले ट्रेस टाइप ऑफ ट्रेस डिस्कस करने वाले, स्ट्रेन टाइप ऑफ स्ट्रेन डिस्कस करने वाले, ठीक है। देन हम डिस्कस करने वाले इसमें ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर अ ब्रिटल एंड डक्टाइल मटेरियल, इसमें हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। इसमें ही डिस्कस करने वाले थर्मल ट्रेसेस एंड स्ट्रेन डिस्कस करने वाले, ठीक है। देन इसमें डिस्कस करने वाले हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ यूनिएक्सियल बायएक्सियल ट्राइएक्सियल लोडिंग के लिए डिस्कस करने वाले, ठीक है। देन इसमें डिस्कस करने वाले हम यंग्स मॉडुलस, ठीक है। देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पॉइसन रेशियो एंड बल्क मॉडुलस, एंड इसके बीच में जो रिलेशन है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ सिंपल ट्रेस एंड स्ट्रेन में, ठीक है। देन यूनिट टू जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे जो पूरा जो ये पूरा जो सिलेबस है पूरा जो सीरीज है ये पूरा डिपेंड है कंसेप्ट ऑफ सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के ऊपर, पहला जो यूनिट उसी के ऊपर डिपेंड है। अगर ये पहला यूनिट अगर आपको अच्छी तरह से समझ गया तो ही क्या होता है ये जो बाकी के जो यूनिट है आपको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो काफी हम मेरा जो पूरा इंटेंशन रहने वाला है
मेरा जो फोकस रहने वाला है, पहला यूनिट जो रहने वाला है, आपको अच्छी तरीके से समझा के दो, ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू विल गेट इजीली, मतलब ये पूरा जो बाकी की जो यूनिट है वो आपको इजीली समझ जाना चाहिए, ठीक है। सो मेरा जो फोकस रहने वाला पहले यूनिट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है, ठीक है। इसमें इसके ऊपर बहुत सारे जो न्यूमेरिकल्स है पूछे जाते हैं, ठीक है, एकेडमिक में एज वेल एज इंजीनियरिंग सर्विस में एज वेल एज गेट में भी इसके जो न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकंड यूनिट है, तो सेकंड यूनिट में शियर फोर्स डायग्राम है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ठीक है। तो ये जो शियर फोर्स डायग्राम इसमें डिस्कस करने वाले, ठीक है, तो इसमें टाइप्स ऑफ बीम डिस्कस करने वाले, जैसे शियर फोर्स डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम होता है, एंड जो होता है ओवरहैंग बीम होता है, ठीक है। तो शियर फोर्स डायग्राम फॉर एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर, ये तीनों टाइप के लिए हम डिस्कस करने वाले, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम एंड ओवरहैंग बीम हम डिस्कस करने वाले थे। सिंपल स्ट्रेस इन अ बीम इसी में है, यही यूनिट में एक टॉपिक है सिंपल स्ट्रेसेस ऑफ अ बीम, इसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस होता है, ठीक है, बेंडिंग इक्वेशन होता है वो हम डिस्कस करने वाले, वो उसका डेरिवेशन अगर डिस्कस करने है, उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स जो पूछते हैं एकेडमिक में उसके ऊपर डिस्कस कर, जो न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करने वाले एंड गेट में भी जो न्यूमेरिकल्स पूछते हैं बेंडिंग इक्वेशन के ऊपर उसका डेरिवेशन हम डिस्कस करने वाले हैं, काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। उसी में शियर स्ट्रेस भी है, शियर स्ट्रेस इन अ बीम, ठीक है। तो इसमें जो होता है शियर स्ट्रेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम होता है, ठीक है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला होता है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थर्ड जो यूनिट है ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है, इसमें डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम होता है, अगेन ये जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम फॉर कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम एंड ओवरहैंग बीम, ठीक है। तो इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं डिफ्लेक्शन भी डिस्कस करने वाले हैं, स्लोप डिस्कस करने वाले, एंड ये जो पूरा जो न्यूमेरिकल्स रहने वाले है ये जो हम सॉल्व करने वाले हैं, डिफ्लेक्शन हम जो फाइंड आउट करने वाले, स्लोप जो हम डिस्कस करने वाले फाइंड आउट करने वाले हैं, वो जो मैकुलेज मेथड पे ही का हम इसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। नाउ इसमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में हम जो ऑब्लिक प्लेन के लिए या ऑब्लिक सेक्शन के लिए हम जो डिस्कस करने वाले एनालिटिक मेथड डिस्कस करने वाले, ठीक है, एंड ग्राफिकल जो मेथड है वो डिस्कस करने वाले, ग्राफिकल मेथड को भी बोलते हैं मोहर सर्कल मेथड बोलते हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले ये थर्ड यूनिट में, ठीक है। सो देन फोर्थ यूनिट है टॉर्शन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। इसमें हम जो होता है टॉर्शन फॉर अ सर्कुलर शाफ्ट जो होता है उसके लिए हम डिस्कस करने वाले, इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल पूछते हैं एकेडमिक में इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया और गेट हो गया, तो वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं टॉर्शन में, ठीक है। देन फिफ्थ यूनिट है कॉलम एंड स्ट्रट है, ठीक है। तो कॉलम एंड स्ट्रट में हम जो काफी ये भी फॉर सिविल इंजीनियर एंड मैकेनिक इंजीनियरिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो कॉलम एंड स्ट्रट में होता है जैसे यूलर्स थ्योरी जो है वो डिस्कस करने वाले, उसके अजम्पशंस डिस्कस करने वाले, देन यूलर्स फॉर्मूला डिस्कस करने वाले, रैंकिंग फॉर्मूला हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। देन सिक्स यूनिट जो है स्ट्रेन एनर्जी एंड इम्पैक्ट लोडिंग, तो ये भी हम डिस्कस करने वाले, ये इसी टाइप से पूरी सीरीज चलने वाली है, आई होप ये जो सीरीज आप फॉलो करोगे, ठीक है। तो इसी टाइप से हम जो पूरी सीरीज फॉलो करने वाले, ठीक है, सभी जो न्यूमेरिकल्स है एकेडमी में आए हुए न्यूमेरिकल्स एंड गेट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है हम सभी लेने वाले हैं, ठीक है। आज सिलेबस और सिर्फ मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ना, इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, तो सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। तो स्ट्रेस जो होता है, स्ट्रेस जो होता है इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस होता है पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं, और इसको इंटर रेजिस्टेंस पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो एरिया है क्या है, ए से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले, ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले, ट्रेस क्या है स्ट्रेन है वही डिस्कस करने वाले, हम नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है काफी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो ये जो है इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब ही क्या होता है, जो यहाँ पे ये जो है शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे ये जो शाफ्ट है इसको एक्सियल लोडिंग दिया है, ठीक है, पी जो है इसका एक्सियल लोडिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बोला इंटरनल रेजिस्टेंस बोला है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस है और हमने क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है मैंने पी, मतलब एक्सटर्नल लोडिंग मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, बट ये भी यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे जो टेंसाइल लोड है, जब इसको हम ये क्या होता है, जब टेंसाइल लोड है तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है,
ये जो है था, इस टाइप से क्या होता है, जो इंटर रजिस्टर्स आता है इसके ऊपर, ठीक है, जो है इंटर रजिस्टर्स आएगा, इस टाइप से इंटर रजिस्टर्स आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पी है, ठीक है, यहाँ पे जो पी है इंटर रजिस्टर्स, मतलब ये इंटर, इसको बोलते हैं इंटरनल रजिस्टर्स, बोलते हैं इसको, बोलते हैं इंटरनल रजिस्टर्स, इंटरनल रजिस्टर्स बोलते हैं। बट बाय इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, ये इंटरनल रजिस्टर्स जो होता है, यहाँ पे क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर हम ये शाफ्ट को कंसिडर करेंगे, तो ये जो पी जो होता है यहाँ पे लेफ्ट, और यहाँ पे क्या होता है ये राइट साइड में, तो यहाँ पे मतलब ये लेफ्ट साइड की जो फोर्सेस है, और ये इंटर रेजिस्टेंस, मतलब इंटर रेजिस्टेंस जो फोर्स रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, वो राइट डायरेक्शन में रहने वाला है, तो उसको जो होता है इट इज एफ इज इक्वल टू क्या होता है जीरो। तो यहाँ पे जो है ये इक्विलिब्रियम कंडीशन जब यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी होता है। इसीलिए यहाँ पे जब हम जो एक्शन लोडिंग लगा रहे हैं वही हम क्या लेते हैं, पी लेते हैं। सो ट्रेस क्या होता है, ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे जो है, तो ये जो होता है ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होता है, जब उसके ऊपर हम टेंसाइल लोडिंग जब यूज कर अप्लाई करते हैं, तो इसके बाद जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होता है, जो शाफ्ट में जो इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होता है, वो जो होता है इक्वल हो जाता है एक्शन लोडिंग के ऊपर, ठीक है। सो ट्रेस होता है, इट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो इसका अगर यूनिट अगर हमें चाहिए, तो यूनिट जो होता है यहाँ पे देखो, ये इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स बोल सकते हैं, ठीक है, या इंटरनल रेजिस्टेंस भी हम बोल सकते हैं। तो ये फोर्स ही, तो इसका यूनिट रहेगा न्यूटन, और एरिया है ये क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसका रहेगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है, इसका यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, इसी को और पास्कल, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, पास्कल होता है, ठीक है। नाउ स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन होता है, ठीक है, इट इज द चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन होता है, ठीक है। तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, इसका जो रेशियो होता है क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन जो होता है, स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन होता है, ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन होता है, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई, इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो चेंज इन डायमेंशन मतलब वहां पे लेंथ हो सकता है, ठीक है, ब्रेथ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रहेगा, सपोज हमने यहाँ पे डेल्टा एल मतलब चेंज इन डायमेंशन, और ये ओरिजिनल लेंथ लिया हमने, एल ले लिया, ठीक है। तो डेल्टा एल क्या रहेगा, चेंज इन लेंथ रहेगा, और एल जो रहेगा, जो रहेगा ओरिजिनल लेंथ रहेगा। तो ये जो है यहाँ पे जो यूनिट है, देखो यहाँ पे इट इज द डायमेंशन लेस, ये क्या है, ये डायमेंशन लेस पैरामीटर है, ठीक है। तो मीटर मीटर क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आज सिर्फ हम इतना ही डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। आई होप जो भी आज डिस्कशन किया, मतलब जो हमने सिलेबस डिस्कस किया, कैसी सीरीज चलने वाली है, ठीक है, किस हमारा फोकस किस पे रहने वाला है, ठीक है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। सो आई होप ये जितना भी आज डिस्कशन किया आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको ये जो जो सीरीज अब स्टार्ट हुई, आपको मैक्सिमम जितने भी आपको फ्रेंड है उसको शेयर करना है, ठीक है, और उसको बताना है कि ये जो सब्जेक्ट है काफी इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, ठीक है। सो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करने वाले स्ट्रेस स्ट्रेन एंड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। सो टेक केयर गाइज एंड बाय।